हेलो एवरीवन, मैं खुशबू त्रिपाठी केटी क्रिएशन से लेकर आई हूँ आपके लिए हैंडमेड कुंदन ज्वेलरी। आप अपने घर पर आप अपनी मैचिंग कुंदन ज्वेलरी आप खुद ही बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे छोटे छोटे ग्रीन कलर के कुंदन लिए हैं। इसका साइज़ करीब 5 mm है। इसको बनाने के लिए कुछ रिंग्स लिए, स्टड्स हैं, हुक है और प्लायर। प्लायर बहुत ज़रूरी है कुंदन ज्वेलरी में और हमेशा 2 प्लायर की ज़रूरत होती है। तो मैंने यहाँ एक कुंदन में एक रिंग ऐड किया है। जिस तरह मैंने वीडियो में पकड़ा है हाथों से, उसी तरह पकड़कर रिंग डालकर प्लायर से इसको प्रेस करना है। ये देखिए, ये मेरा रेडी हो गया। इसी तरह मैंने दो दो करके बहुत सारे ऐसे बना लिए हैं, फिर दो दो को कनेक्ट किया है, फिर 2 से 4 किया है, 4 से 6 किया है। इस तरह मैंने टोटल 55 कुंदन एक दूसरे से जोड़े हैं। कुंदन ज्वेलरी में आप यदि इस तरह के कुंदन यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा सबसे छोटे साइज़ का रिंग लीजिए, उससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। बड़ा रिंग लेंगे तो वो रिंग साइड से दिखेगा, अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए, मेरा पूरा नेक का पूरा जो हाफ सर्कल है वो रेडी है। अब इसमें पीछे चेन लगाने के लिए फिर से एक रिंग लिया है, उसको ओपन करके मैंने एंड पॉइंट पे लगाया है और उसमें एक चेन डालेंगे। चेन आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग लीजिए और दूसरे साइड भी चेन लगाकर उसमें हुक अटैच कर दीजिए। ये हमारा हुक लग गया है। अब हम इसका इयररिंग और पेंडेंट बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ 13 कुंदन को एक साथ जैसे शुरुआत में जोड़ा था वैसे जोड़ा है और इसको सर्कल का लुक देने के लिए लास्ट के दोनों कुंदन को फिर से उसी रिंग से जोड़ा है। इस तरह मैंने यहाँ पे 3 रिंग तैयार किए हैं, एक आपके पेंडेंट के लिए और 2 इयररिंग्स के लिए। तो जो एक रिंग है उसको इसमें फिर से एक छोटे से रिंग की सहायता से आप इसको अटैच कर दीजिए और बाकी जो 2 रिंग है उनसे इयररिंग बनाने के लिए या तो आप ये होल वाला स्टड इसमें लगा सकते हैं या फिर आप इसको लटकन के जैसे भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह का जो स्टड होता है इसमें एक नीचे ओपनिंग होती है, उसमें एक दूसरे रिंग की सहायता से इसको इसमें लगा सकते हैं। ये लगाना इजी है लेकिन वो जो मैंने स्टड पहले दिखाया था वो लगाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये बाहर से दिख रहा है। तो इसको मैंने थोड़ा सा ट्रिम किया है नेल कटर से, जो एक्स्ट्रा अलग से दिख रहा है उसको नेल कटर से ट्रिम करके मैंने यहाँ सुई धागे से इसको अटैच कर दिया है। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये छोटे छोटे कुंदन कहाँ से लिए। तो फ्रेंड्स, मैंने ये कुंदन ऑनलाइन ऑर्डर किए थे। आप भी अपने चॉइस के, अपने मैचिंग के आउटफिट की मैचिंग के कुंदन जो है ऑर्डर कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। देखिए, हमारा सुई धागे से सिल गया है और ये हमारा स्टड रेडी है। ये ज्वेलरी जो है पहनने में बहुत अच्छी लगती है। अब हम दूसरे तरह के कुंदन से ज्वेलरी बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक रिंग लिया है ओवल शेप का और उसमें नेवी ब्लू कलर का धागा जो है उसमें लपेटा है। इसमें मैंने 15-20 स्ट्रैंड्स लिए हैं लगभग 1 मीटर तक और उसको पूरे ओवल शेप राउंड में पूरे उसमें लपेट दिया है। लपेटने के बाद मैंने यहाँ पे एंड पॉइंट पे घी लगाकर इसको चिपका दिया है। ये रिंग हमारा रेडी हो गया है। ये जो है, हम जो खुले कुंदन मिलते हैं जिनमें कोई फ्रेम नहीं होता है, उसके लिए मैंने ये यहाँ पे नेवी ब्लू कलर का फ्रेम तैयार किया है। आप अपनी चॉइस से कोई भी कलर का धागा ले सकते हैं, कोई भी कलर का कुंदन ले सकते हैं। मेरा जो कुंदन है वो ब्लू कलर का है और मैंने ये जो इसका फ्रेम बनाया है वो नेवी ब्लू कलर का है। ये रोल हो गया है, इसको एंड पॉइंट पे कट करके चिपका देंगे। ऐसे मैंने 3 सर्कल रेडी किए हैं, एक नेक पीस के लिए और 2 इयररिंग्स के लिए। इयररिंग्स के लिए सेम जो शुरुआत में मैंने स्टड लिया था होल वाला, वैसा स्टड लेकर सुई धागे से सिल दिया है।
देखिए ग्लू से भी चिपक जाएगा लेकिन उसकी लाइफ नहीं रहेगी, फटाक से निकल जाएगा। यदि आप इसको सुई धागे से अटैच करेंगे तो ये निकलेगा नहीं। दोनों स्टड्स में इसी तरह से आप लगा दीजिए और लास्ट में नॉट लगा दीजिए। ये देखिए हमारा दोनों में लग गया है और ये कि तीसरे में। अब तीसरे में इसको गले के लिए बना रहे हैं तो कोई चेन लगानी पड़ेगी। मैंने यहाँ पे मरून कलर की कनेक्टिंग बॉल चेन ली है, आप कोई भी चेन ले सकते हैं अपनी चॉइस की। और कनेक्टिंग बॉल चेन में इस तरह का कनेक्टर लगता है। फिर इसमें कुंदन लगाकर हम ग्लू से चिपका देंगे। आप बॉल चेन की जगह मोती पिरोकर भी लगा सकते हैं। दोनों इयररिंग्स में भी ये ब्लू कलर का कुंदन चिपका देंगे और इसके कुंदन के चारों ओर मैंने एक चेन भी चिपकाई हुई है। अब इसी तरह इसमें भी कनेक्टिंग चेन चिपका दीजिए। ये कॉन्ट्रास्ट में बनाया हुआ है, पहनने में बहुत अच्छा लगता है। आप अपनी मैचिंग से कोई भी कलर का थ्रेड, कुंदन और कनेक्टिंग चेन यूज़ कर सकते हैं और बनाना बहुत ही ईजी है और जल्द ही बन जाता है। हमारा तैयार है ये सूख कर। अब हम तीसरे तरह का बनाएंगे जिसमें मैंने यहाँ कुछ रेड कलर के कुंदन लिए हैं जिसका साइज़ करीब 14-15 mm है और ये भी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे। लेकिन ये कुंदन जो हैं वो एम्ब्रॉयडरी में यूज़ किए जाते हैं, इनको कपड़ों में लगाया जाता है। लेकिन मैं आज इससे ज्वेलरी बनाने वाली हूँ। ज्वेलरी बनाने के लिए मैंने इनके होल से निकाल कर लगभग 6 कुंदन है इनको एक फूल की तरह इसको धागे में डालकर पिरो दिया है और उसमें एक पेपर, फिर बकरम और फिर एक फ्लावर शेप का पेपर चिपका दिया है। अभी चिपक कर अच्छी तरह सूख जाएगा तो ये जो धागा दिख रहा है उसको आप कट करके अलग कर दीजिए और जो निकला हुआ पेपर है उसको नेल कटर से ट्रिम करिए। कैंची से नहीं कटेगा, इसको नेल कटर से ट्रिम कर दीजिए। ये हमारा पेंडेंट रेडी है। अब इसमें होल भी है कई सारे कुंदन में, तो मैंने यहाँ पे 3 कुंदन से 2-2 धागे निकाल कर इनमें मोती पिरोया है गोल्डन कलर का। आप ये अपनी चॉइस से कोई भी कलर का इसमें कर सकते हैं। मोती नहीं है तो आप कनेक्टिंग चेन भी इसमें लगा सकते हैं, आई पिन लगाकर कनेक्टिंग चेन लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे दोनों साइड में 3-3 धागों में मोती पिराएं और एंड पॉइंट पर एक बड़ा मोती डालकर लास्ट में नॉट लगाकर एक रिंग लगा दिया है और उसमें एक हुक लगा दिया है। आप इसका साइज भी अपने हिसाब से रखिए। ये भी पहनने में बहुत अच्छा लगता है और इसके स्टड के लिए मैंने सिंपली यहाँ पे एक बकरम सेम साइज़ का कट करके चिपकाया है और एक स्टड पेपर में, एक गोल्डन पेपर में लगाकर इसको भी मैंने पेस्ट कर दिया। जब ये सूख जाएगा अच्छी तरह से तब इसको यूज़ करिए। और मांग टीका के लिए भी मैंने एक यहाँ पे चेन लगा दी है रिंग डालकर और लास्ट में आई पिन ओपन करके उसको मोड़ दिया है। फिर आई पिन को भी मोड़ देंगे। आप इसका साइज़ भी अपने हिसाब से रखिए कि कितना आपको मोड़ना है। छोटा रखेंगे तो भी फिटिंग अच्छी नहीं आएगी, तो कोशिश करिए क्योंकि ये मांग टीका है तो थोड़ा बड़ा रहे तो इसकी ग्रिप अच्छी रहेगी। ये हमारा रेडी हो गया। इसके स्टड्स हैं और सेम मांग टीका है। अब इसके साथ पहनने के लिए मैंने यहाँ एक और नेकलेस बनाया है, वो भी एकदम सिंपल है, एक ही कुंदन से बनाया है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये इस तरह का हुक आता है मार्केट में और इस तरह के रिंग्स आते हैं तो उसमें मैंने धागा डालकर नॉट लगा दिया है और कुछ ब्लैक कलर के मोती ऐड किए हैं। यहाँ मैंने सबसे छोटे साइज के ब्लैक मोती लिए हैं और उसको करीब आधे तक ब्लैक मोती हमने पिरोए हैं और बीच में से धागा निकाल कर फिर से दोनों पैरेलल देते हुए ब्लैक मोती और गोल्डन मोती डालना है और उसमें करीब 4 होल हैं। एक से डालते हुए दूसरा निकालना है और दूसरे से डालते हुए तीसरा निकालना है। ये देखिए गोल्डन मोती है। अब इसको इसमें से डालकर फिर से गोल्डन मोती वहाँ तक पिरोएंगे और थोड़े से ब्लैक मोती डालेंगे और आखिर में फिर जैसे शुरुआत में किया था लास्ट में एक
ब्लैक मोती रहेगा और एंड पे ये हुक ऐड कर दिया। ये भी वो जो स्टड्स बनाए थे उनके साथ आप पहन सकते हैं। अब मैं एक चोकर बनाने वाली हूँ। इसमें मैंने 9 mm और 1 cm साइज का एक स्क्वायर शेप का कुंदन लिए हैं। इसमें मैंने पूरे नेकलेस में 18 कुंदन लगाए हैं और सारे कुंदन को सबसे छोटे साइज के जंप रिंग से अटैच किया है। और लास्ट में मैंने एक चेन ऐड की है और लास्ट में एक हुक ऐड किया है और इसमें 5 mm का बीड यूज़ किया है जिसको आई पिन से लगाया हुआ है। कुंदन में बहुत सारी ओपनिंग होती है, उसकी सहायता से मैंने इसको जोड़ा है। बहुत इजी है इसको लगाना। और एक चेन ऐड की है और लास्ट में एक हुक लगाया है। आप इसको अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। 9 to 10 cm की चेन लगाई हुई है मैंने। ये चोकर बहुत पहनने में बहुत ही अच्छा लगता है और इसको बनाना बहुत ही इजी है। और ये कुंदन कई कलर में मिलते हैं और ये इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। और इसका इयररिंग बनाना भी बहुत इजी है। इसके लिए मैंने 3 कुंदन को छोटे वाले जंप रिंग से जोड़ा है, लास्ट में एक बीड लगाया है और एक स्टड। आप अपनी चॉइस से कोई भी स्टड इसमें लगा सकते हैं। अदरवाइज आप जो होल वाला स्टड मैंने शुरू में लगाया है वो भी बीडिंग वायर से अटैच कर सकते हैं। और ये बहुत ही क्विक नेकलेस है, आप इसे बनाइए और पहनिए। तैयार है हमारा चोकर। अब हम एक नेकलेस बनाने वाले हैं। इसमें मैंने करीब 1 cm डायमीटर के स्क्वायर शेप के वाइट कुंदन यूज़ किए हैं और 6 कुंदन के चारों ओर 6 कुंदन लगाए हैं। छोटे वाले जंप रिंग से आपको ये अटैच करना है। ये देखिए मैंने छोटे रिंग से आपस में इनको जोड़ा है और जब ये सारे जुड़ गए हैं तो आखिरी में मैंने बीडिंग वायर से मरून कलर के मोती लगाए हैं। पूरे सर्कल में 6 मोती लगे हैं और नेकलेस में 2 मोती हटा के मैंने यहाँ कंटिन्यूएशन में 3 कुंदन लगाए हैं और बाकी हिस्से में मैंने मोती लगाए हैं और नीचे 4 मोती लगे हैं। और ये पूरा और इस तरह का मैंने इसमें अटैचमेंट दिया है। इस तरह का भी मार्केट में इजीली मिल जाता है। ये हमारा नेकलेस है। और अब इयररिंग के लिए मैंने सेम फ्लावर को इयररिंग का लुक देने के लिए इसमें मैंने एक बड़ी वाली आई पिन ली है और उसको जैसे मैंने दिखाया है पहले नीचे अटैच किया है और फिर ऊपर अटैच करके मोड़ दिया है। इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है और इसकी ग्रिप बहुत अच्छी रहती है और पहनने में भी बहुत ईजी है। अब मैं जो बताने वाली हूँ वो बहुत ही क्विक पेंडेंट सेट है। इसके लिए मैंने येलो कलर के ओवल शेप के कुंदन लिए हैं जिसकी लंबाई करीब 1 cm है और चौड़ाई 5 mm है। और 6 कुंदन को मैंने एक बड़े वाले रिंग से, या आप इसको बीडिंग वायर से भी जोड़ सकते हैं, बड़े वाले रिंग से जोड़ा है। सबको एक बड़े रिंग में डाल दिया है और लास्ट में मैंने जो रिंग था उसको मोड़ दिया है। ये भी फटाफट बन जाता है। और इसमें अपनी साइज के अकॉर्डिंग मैंने अपनी इसमें एक चेन लगाई है और हुक लगाया है। बहुत ही इजी है बनाना भी और मार्केट में इजीली मिल भी जाता है। और स्टड के लिए मैंने 3 कुंदन जोड़े हैं। एक रिंग में 3 कुंदन जोड़ के और स्टड को सुई धागे से सिल दिया है। फ्रेंड्स, मैंने अपने इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से कुंदन ज्वेलरी बनाना बताया है। हम ये भी कह सकते हैं कि यह एक जुगाड़ से मैंने यहाँ ज्वेलरी बनाई है। अब मैं आपको एक चोकर बताने वाली हूँ। इसके लिए मैंने 5 mm साइज का 5 mm डायमीटर का कुंदन लिया है सेंटर में और उसके बाहरी साइड में भी 5 mm साइज के 8 कुंदन लिए हैं
और लीफ शेप के कुंदन लिए हैं। तो मैंने सबसे पहले ना लीफ शेप के और अंदर वाला जो कुंदन है तीन तीन पेयर में कनेक्ट किया है। पहले दो लीफ शेप और एक अंदर वाला कुंदन, दो लीफ शेप एक अंदर वाला, दो लीफ, ऐसे करते करते मैंने अंदर का सर्कल बनाया है। फिर बाहर का जो है उसके लिए मैंने दो लीफ और एक सर्कल, दो लीफ एक सर्कल करते करते अटैच किया है। छोटे से जो थोड़ा बड़ा जंप रिंग आता है उससे, क्योंकि यहाँ हम तीन कुंदन साथ में अटैच कर रहे हैं, जब दो करते हैं तो छोटा लेते हैं और जब तीन करते हैं तो थोड़ा बड़ा लेते हैं। और उसके बाद मैंने बहुत सारी सबसे छोटे साइज़ के बहुत सारे मोतियों को एक इस तरह का चेन का अटैचमेंट मार्केट में मिलता है उसमें सारे मोती की माला लगाई है और उसमें मैंने चेन लगाई है। और लास्ट में एक हुक लगाना है। ये भी बनाना बहुत इजी है, देखने में बस थोड़ा डिफिकल्ट लगता है लेकिन बहुत इजी है। अब इसके स्टड्स के लिए मैंने एक सेंटीमीटर डायमीटर का एक राउंड शेप का और एक ड्रॉप बड़ा वाला ड्रॉप शेप का कुंदन लिया और उसको एक रिंग से अटैच कर दिया है। फिर स्टड लगाया, मैंने शुरू में जो होल वाला स्टड दिखाया था वही वाला स्टड बीडिंग वायर से लगाया है। ये भी इजीली बन जाता है, इसमें कोई परेशानी या दिक्कत नहीं होती है। आप ड्रॉप स्किप भी कर सकते हैं यदि आपको खाली एक सर्कल वाला कुंदन चाहिए, तो उसमें भी आप स्टड अटैच करके पहन सकते हैं। ये ज्वेलरी भी पहनने में बहुत अच्छी लगती है और इस तरह की ज्वेलरी अभी फैशन में भी है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।